एसएसपी अजय कुमार के कुशल निर्देशन में भीम नगर के दो बच्चों को किडनैप करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। घायल अवस्था में लाया गया सरकारी ट्रॉमा सेंटर सीओ सिटी संग थाना पुलिस भी आई। कुछ देर बाद पहुंचे एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा भी की मीडिया से बात। मामले में बच्चों को उसी दिन 6 घंटे के अंदर पुलिस ने किया था बरामद। फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार के कुशल निर्देशन और एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र व सीओ सिटी हरिमोहन सिंह के सफल पर्यवेक्षण में रविवार दोपहर थाना दक्षिण क्षेत्र मोहल्ला भीमनगर गली नंबर 2 से प्रेमचंद्र का 6 वर्षीय पुत्र कुणाल और यहीं के निवासी विपिन के 3.5 वर्षीय योगेश दोनों बच्चों को किडनैप करने वाला अभियुक्त एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उक्त अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। थाना पुलिस में थाना प्रभारी दक्षिण सुशांत सिंह और थाना पुलिस एवं एसओजी टीम संग पहुंचे सीओ सिटी हरिमोहन सिंह ने मामले में मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया फिरौती के उद्देश्य से बच्चों का किडनैप करने वाले उक्त अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कुछ देर बाद एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया अभियुक्त का नाम अभय जादौन है। क्षेत्र में अभी दो बच्चों के अपहरण का मामला आया था। उस संदर्भ में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी यहां हुमायूंपुर अपने साथी से मिलने जा रहा है। हमारी पुलिस टीम उसमें लगी, जिसमें इंस्पेक्टर श्री सुशांत गौर लगे हुए थे, उनके एसएसआई लगे हुए थे। रास्ते में इन्होंने बदमाश को इंटरसेप्ट किया, उनको रोका और बदमाश ने तत्काल फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ फायरिंग इन्होंने भी की, जिससे बदमाश के निचले हिस्से में गोली लगी है। बदमाश को जब बातचीत की गई तो पता चला बदमाश वही है और मुख्य आरोपी है, अभय जादौन नाम है इसका। इसके निशानदेही से एक तमंचा, 4 कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। एक बाइक बरामद हुई है जो प्रथम दृष्टया चोरी की बाइक लगती है। इनको लाके यहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया गया और इनकी गहनता से पूछताछ करने के बाद शेष घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। सर, कोई अपराधी